हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और यहाँ पर मैं होप करता हूँ कि आप लोगों के जितने भी ड्रीम है या फिर आप लोग जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो वो सब यहाँ पर आपको इस नए साल में मिल जाए। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 बड़े खिलाड़ी जो कि अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है कि IPL के अगले सीज़न में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस बात की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये प्लेयर्स हमें खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। और इसका मतलब है कि IPL 2020 इन बड़े सुपरस्टार्स का पर लास्ट सीजन होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस लिस्ट में यहां पर सबसे पहले जिस बॉलर का नाम आता है वो है मुंबई इंडियंस के स्टार फास्ट बॉलर लसित मलिंगा। अब अगर मलिंगा के करियर की बात की जाए तो यहां पर एक बार ऐसा लगा था 2018 में ही, जब मुंबई इंडियंस ने यहां पर अपना बॉलिंग मेंटोर यहां पर लसित मलिंगा को अपॉइंट कर दिया था। और उसके बाद हमें लगा था कि हो सकता है यहां पर कि मुंबई इंडियंस अब लसित मलिंगा के साथ आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती। लेकिन यहां पर 2019 के एडिशन में लसित मलिंगा ने वापसी की थी और आपको याद होगा कि फाइनल में जब उन्होंने लास्ट बॉल पर 2 रन सेव किए थे अपनी स्लोअर यॉर्कर के जरिए, तो उसके बाद यहां पर एक बार फिर से लसित मलिंगा की कमाल की फॉर्म जो है वो वापस आ गई थी और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस यहां पर काफी ज्यादा अच्छी रही है। लेकिन अब चूंकि मलिंगा की एज धीरे धीरे बढ़ रही है और एक सर्टेन लिमिट के बाद यहां पर भले ही वो कितने भी अच्छे प्लेयर, लेकिन उनकी एज उनको इजाजत नहीं देगी आगे खेलने की। और मुंबई इंडियंस ने भी यहां पर फ्यूचर के हिसाब से ट्रेंट बोल्ट को इनके रिप्लेसमेंट के रूप में यहां पर शामिल कर लिया है। तो ऐसे में लसित मलिंगा की यहां पर काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि उनका लास्ट IPL हो सकता है। इस लिस्ट में यहां पर दूसरे नंबर पर नाम आता है इस गेम के शायद सबसे बड़े बैटिंग लेजेंड क्रिस गेल का। अब क्रिस गेल एक ऐसा नाम है यहां पर जब भी IPL की बात होगी तो क्रिस गेल का नाम हमेशा इसमें लिया जाएगा। यहां पर क्रिस गेल कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भी खेले और अभी वो किंग्स इलेवन पंजाब में भी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इनका मेमोरेबल टाइम था और सबसे ज्यादा जो इनकी हिटिंग हुई थी वो RCB के साथ हुई थी, जहां पर इन्होंने 7 सीजन खेले थे 2011 से 2017 में। अब यहां पर क्रिस गेल के कंपैरिजन में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है। जब भी बड़े-बड़े छक्के लगाने की बात आती है, जब भी इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की बात आती है, तो उसमें क्रिस गेल का यहां पर सबसे ज्यादा नाम आता है। लेकिन यहां पर अगर हम क्रिस गेल की बात करें एज की उनकी, तो अगले साल तक वो यहां पर लगभग 42 साल के हो जाएंगे। तो ऐसे में अब यहां पर IPL 2021 में हमें ऐसा लग रहा है कि क्रिस गेल 42 साल के हम यहां पर अज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह की उनकी फिटनेस भी हमने देखी है कि रन वगैरह वो इतनी आसानी से नहीं भाग पाते, तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि यहां पर जब मेगा ऑक्शन होगा तो उसमें कोई भी फ्रेंचाइज इनको लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। बात करते हैं प्लेयर नंबर 3 की, और इस कैटेगरी में मैंने यहां पर रखा है शेन वॉटसन को। अब वॉटसन यहां पर राजस्थान रॉयल्स, जिनको इन्होंने 2 बार IPL का टाइटल जिताया था, इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी पिछले कुछ टाइम से जुड़े हुए। और यहां पर इनकी जो फॉर्म 2018 और 2019 में रही थी वो काफी टेम्पररी रही थी, मतलब ऐसा था कुछ मैचेस तो काफी अच्छे गए थे लेकिन यहां पर कुछ मैचेस काफी खराब भी गए थे। लेकिन यहां पर शेन वॉटसन जिस तरह के खिलाड़ी हैं, उन्होंने यहां पर बड़े मैचेस में परफॉर्म करके दिखा दिया था कि कितना बड़ा उनका नाम है, किस तरह के खिलाड़ी हो सकते हैं। लेकिन अब यहां पर वॉटसन के साथ दिक्कत यह है कि वो लगातार क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वो सिर्फ IPL में आते हैं, उसके बाद वो काफी लंबे ब्रेक पर चले जाते हैं। और ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की एक टीम भी ऐसी है जिसमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले प्लेयर भरे हुए हैं। तो जैसे जैसे यहां पर आगे साल प्रोसीड करते जाएंगे, खासकर मेगा ऑक्शन में जब टीम के पास अपॉर्चुनिटी आएगी रिलीज करने की, तो जरूर यहां पर शेन वॉटसन को रिलीज करने वाले। और ऐसे में इनकी एज भी इनके साथ नहीं है, तो शेन वॉटसन का भी ये यहां पर आखिरी IPL हमें देखने को मिल सकता है। बात करते हैं प्लेयर नंबर 4 की, जो कि सेम रीजन की वजह से हमें बाहर होते हुए नजर आ सकते हैं, और वो होने वाले हैं इमरान ताहिर। अब अगर इनकी बात की जाए तो सबसे पहले इनका सेलिब्रेशन हमारे माइंड में घूमता है, जब भी कोई भी विकेट लेने के बाद ये पूरे फील्ड का चक्कर लगा के आ जाते हैं। और उसके बाद अगर इनके इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो काफी बड़े प्लेयर हैं ये भी अपने आप में, लेकिन इनकी एज भी यहां पर काफी ज्यादा हो चुकी है। और वही बात है कि जब अगले साल का IPL आएगा, यानी कि IPL 2021 आएगा, उसमें फिर से मेगा ऑक्शन होगा, तो उसमें यहां पर ऑब्वियसली सारी टीमों के स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। अभी तक तो मिनी ऑक्शंस होते हैं तो उनमें यहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते। तो ऐसे में इमरान ताहिर की एज को देखते हुए यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी पीयूष चावला को उनके सब्स्टिट्यूट की तरह भी शामिल कर लिया है ऑलरेडी, क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में इमरान ताहिर का भी ये लास्ट IPL हमें देखने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस लग रहे हैं। बात करते हैं आखिरी प्लेयर की, और ये होने वाले यहां पर डेल स्टेन। अब डेल स्टेन की बात की जाए तो इस बार RCB ने इन्हें 2 करोड़ रुपए में खरीदा है, और यहां पर इससे पहले डेक्कन चार्जर्स के लिए खेल चुके हैं, उसके साथ सनराइजर्स हैदराबाद में भी खेले थे, और हमने यहां पर देखा था कि गुजरात लायंस के लिए भी एक सीजन में खेले थे। अगर स्टेन की बात की जाए तो IPL में उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, उनकी इकोनॉमी यहां पर 7 के नीचे आती है, विकेट भी वो 30 से ज्यादा ले चुके हैं। लेकिन स्टेन के साथ सिर्फ एक ही दिक्कत है जो कि उनके पूरे करियर में रही है, और उस दिक्कत की वजह से स्टेन जितने बड़े बॉलर हो सकते थे, हालांकि ऑलरेडी वो काफी बड़े बॉलर हैं, लेकिन वो उससे भी ज्यादा ऊपर निकल सकते थे अगर उनको इंजरीज ना होती। काफी ज्यादा इंजरी प्रोन होने की वजह से यहां पर कोई भी टीम इनके ऊपर बिडिंग करने को तैयार नहीं होती बहुत बड़ी, और यही वजह है कि इस बार RCB ने इनको लास्ट राउंड में जाके खरीदा था। तो ऐसे में डेल स्टेन
इनकी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस सीज़न। अगर इसमें भी उन्हें इंजरी के इश्यूज़ आते हैं या फिर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो डेल स्टेन की एज भी यहाँ पर यही इशारा करती है कि आईपीएल के जो अगला ऑक्शन होने वाला है, मेगा ऑक्शन हो सकता है, उसमें कोई भी टीम इनके ऊपर इंटरेस्ट ना दिखाए या फिर हो सकता है कि इंजरी के इश्यूज़ की वजह से ये खुद ही आईपीएल में खेलते हुए ना नजर आए। तो ये थी मेरी वो 5 प्लेयर्स की लिस्ट जो कि यहाँ पर आईपीएल के अगले सीजन में हमें शायद ना खेलते हुए देखने को मिले। इसमें आप और भी नेम ऐड कर सकते हो, जैसे कि हरभजन सिंह हो सकते हैं या फिर प्रवीण तांबे भी हो सकते हैं। तो आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं और आप उनको कितना मिस करने वाले हो अगर ऐसा होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।